एक बार एक नया विवाहित जोड़ा नए शहर में रहने जाते हैं। इस नए विवाहित जोड़े में लड़के का नाम विक्रम और लड़की का नाम साक्षी है। विक्रम की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन विक्रम की कंपनी वालों ने कंपनी के काम के लिए कुछ महीने के लिए विक्रम को दूसरे शहर में पोस्टिंग कर दी। कंपनी ने जो फ्लैट दिया उसमें ये लोग रहने जाते हैं, पर इनको क्या पता था ये इनकी जिंदगी का सबसे डरावना सच बनने वाला है। पहले दिन ही साक्षी और विक्रम ने मिलकर पूरा फ्लैट सजा लिया। फ्लैट 2 BHK का था तो ज्यादा समय नहीं लगा। ये लोग नए शहर में ढलने की कोशिश की बात एक दूसरे से करने लगे और खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। देर रात में विक्रम की नींद खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए उठता है। पलट कर जब वो साक्षी की तरफ देखता है तो उसे वहाँ साक्षी नहीं दिखती। थोड़ी देर बाद विक्रम के गले पर 2 हाथ पीछे से उसके ऊपर आते हैं। विक्रम चौंक कर देखता है, पीछे साक्षी खड़ी रहती है। साक्षी ने बोला, क्यों चौंक गए? मैं बाथरूम गई थी। तुम क्यों जगे हो? विक्रम बोलता है, कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए गया था। ये लोग फिर से सो जाते हैं। सुबह उठकर साक्षी दोनों के लिए नाश्ता और खाना बनाती है। विक्रम नाश्ता करके अपना टिफिन लेकर काम पर निकल जाता है। साक्षी अपने फ्लैट में अकेले सोच रही होती है, चलो जो बाकी काम है उसे ही कर लेती हूँ। वो कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है तो देखती है कि कपड़े तो वॉशिंग मशीन में ही नहीं है। वो घबरा कर इधर उधर ढूंढते ढूंढते अपने बेडरूम में पहुँच जाती है। वहाँ उसके सारे गीले कपड़े उसके बिस्तर पर थे। वो ये सब समझ नहीं पाती है। शाम को विक्रम के घर आने के बाद उसे ये सारी बातें बताती है। विक्रम इसे वहम समझकर बात काट देता है। रात में दोनों अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। तभी रात में किसी की तेज तेज सांस लेने की आवाज विक्रम को सुनाई देता है। विक्रम धुंधली आंखों से बैठता है और मुड़ कर देखता है तो वो बिस्तर से डर के मारे गिर जाता है। वो देखता कि बिस्तर पर साक्षी के बगल में कोई काला साया सोया है जो एक आदमी की तरह दिख रहा है। विक्रम दौड़कर बाथरूम में जाकर पहले अपनी आंख धोता है। वापस आकर फिर देखता है तो अब वहां कोई नहीं रहता। विक्रम को लगता है कि ये ठीक से न सोने की वजह से भ्रम हो रहा है। इसी तरह एक हफ्ता बीतने के बाद दोनों अब तक कई बार डर का सामना कर चुके थे, पर वो उसे भ्रम मानकर बार बार टाल देते थे। क्या थी उस भूतिया फ्लैट की सच्चाई? फिर एक दिन रात में दोनों अपने बिस्तर पर सोए थे। कुछ देर बाद बिस्तर हिलने लगता है। दोनों की नींद खुल जाती है। पहले साक्षी उठती है और जैसे ही देखती है सब कुछ नॉर्मल था। फिर भी वो चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांकती है और जैसे ही वो बिस्तर के नीचे झांकती है कोई उसका बाल पकड़कर बिस्तर के नीचे खींच लेता है। साक्षी चिल्लाती है तो विक्रम जग जाता है और वो बिस्तर के नीचे उतरकर साक्षी को देखता है और देखते ही वो पीछे की तरफ गिर जाता है। वो देखता है साक्षी के लेटी हुई उसकी तरफ देख रही है और साक्षी के पीछे कोई है जो साक्षी का सिर जमीन पर दबाया हुआ है। वो फिर भी टॉर्च जलाता है तो वहाँ कोई नहीं रहता। फिर वो साक्षी को बाहर निकलाता है। दोनों बहुत डर जाते हैं। विक्रम और साक्षी दोनों कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं पर कोई दरवाजे का पास खड़ा रहता है। दोनों की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। तभी विक्रम अपना टॉर्च जलाने की सोचता है, टॉर्च काम नहीं करता। इस दौरान वो देखता है साक्षी उसके बगल में नहीं है। वो इधर उधर देखता है तो साक्षी दरवाजा के पास खड़ी होती है और डर के इशारे में कहती है, तुम्हारे पीछे है वो। विक्रम डरते हुए पीछे पलटता है। तभी उसे एक जोर का झटका मुख का पड़ता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कमरे के सामने से हमला होता है। विक्रम को काफी चोट आ जाती है। क्या दोनों में भागने में कामयाब हुए? उधर साक्षी दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है। वो तुरंत विक्रम को उठाती है और वहां से निकलने लगती है। तभी दोनों को पीछे से एक जोर का धक्का लगता है जिससे वो सीधे फ्लैट के बाहर गिरते हैं। वो तुरंत ही लिफ्ट में चले जाते हैं और बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद देखते हैं कोई साया उनके फ्लैट की खिड़की पर खड़ा है जो थोड़ी देर में गायब हो जाता है और फ्लैट की लाइट भी बंद हो जाती है। विक्रम और साक्षी इस बात को समझ चुके थे ये फ्लैट हॉन्टेड है और वो दोनों दूसरे दिन मैनेजर को भेजकर अपना सामान वहां से निकलवा लिया और वो दोनों कहीं और रहने चले गए और यह हादसा आज भी उनकी रात की नींद उड़ा देता है।